मैं बहुत अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि इतनी बड़ी सभा में मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे सभी वक्ताओं ने संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में बताया और उन्होंने कितने कष्टाई के साथ इस देश में अपनी पहचान बनाने का काम किया। उन्होंने इस दलित समाज को जगाने का काम करा। उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी बात राजा महाराजों ने उनकी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा ली, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि वो हमेशा कामयाब रहे और इस दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का काम करा। इसके बारे में हमारे महात्माओं ने सब कुछ बताने का काम करा है। इसी तरह से हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जन्म आए, जबकि उस समय भी हमारे छुआछूत इतनी थी कि हम लोगों को अपने बच्चों की शादी करने का अधिकार नहीं था, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, हमें कोई अपना तरीके का अच्छे से खान पान करने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था। तो इतना संघर्ष करके कि बाबा साहब जब स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए पढ़ने बैठते थे, उनको जो है पानी पीने को नहीं मिलता था। हमारे समाज के पीछे झाड़ी बांध देते थे जिससे हमारे पैरों के निशान खत्म होते चले जाए। गले में हमारे हांडी बांध दी जाती थी कि खांसी आए तो हम उसी में थूक गए। हम लोगों को अगर इनका कहा मान ले और इनके पद चिन्हों पर चले तो हमारा समाज सबसे शक्तिशाली है। इससे बड़ा कोई समाज नहीं है। लेकिन हमको, मुझे तो कह दिया तुम्हें टिकट दे देंगे, पड़ोसी को कह दिया तुझे पैसे दे देंगे, तीसरे को दे दिया तुझे दारू पिला देंगे। हम जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, हमको छिन भिन कर देते हैं। इसीलिए अभी हमारी बहुत तादाद में इसलिए मेरा मन हुआ कि हमारे दो चार त्योहार आते हैं, रविदास जयंती आएगी, बाबा अंबेडकर जयंती आएगी, हमारे और भी बहुत सारे हैं जिनको हम भूले पड़े हैं जो हमारे सामने नहीं आए हैं। एकलव्य थे जिन्होंने गुरु की मूर्ति बनाने से बना के और उन्होंने शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली धनुषधारी बने थे। उनका जब राम और लक्ष्मण जी आए लौट के, उनकी घटना सुनाऊंगी तो बहुत देर लगेगी, लेकिन उनका अंगूठा मांग लिया गुरु जी ने। जब उनको पता चला कि राम लक्ष्मण सभी बड़े धनुषधारी हैं तो उनका अंगूठा मांग लिया। हमारा समाज दलित समाज ऐसा है कि हम लोग को दान देने दिया है, हम लोगों ने, हमने लिया कुछ नहीं है, और जो लिया है वो अपनी मेहनत से लिया है, किसी की दान दक्षिणा से हम आगे नहीं बढ़े हैं। आज जो इस देश का, भारत देश का संविधान बनाने वाले हैं बाबा साहब, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी संविधान लागू हुआ था, महात्मा जी आप सब, हमने आपसे शिक्षा ली है, हमें नहीं मालूम था कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। आज देख लो मीडिया के उसमें उठा के अखबारों में अगर बाबा साहब के संविधान के बारे में किसी ने एक लफ्ज बोला हो, क्या बता सकते हैं कोई? सेम इतने महापुरुष हुए हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस देश का संविधान नहीं बनता। उन्होंने सैकड़ों देशों का संविधान पढ़ा, जब भारत का संविधान बनाया है और ऐसे मनुष्य का नाम ना लिया जाए तो बड़ी शर्म की बात है। बाबा साहब का नाम लेना चाहिए। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है इस बारे में किसी को नहीं बताया। तो माताएं बहनों और भाई बुजुर्गों, मैं बताती हूँ कि संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था और बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था। ऐसे महापुरुष को पूछे जाओ
लेकिन एक और बात, क्योंकि दो मिनट का समय की बात हुई थी, अभी नवरात आते हैं, जानती है ना सब महिलाएं, सब जानती है, आप एक दिन में 200 रुपए खर्च कर जाएंगी, बड़ा तो नारियल लाएंगी, चुनरी लाएंगी और भी बहुत सारी खाने पीने की चीज लाएंगी, तो आपके जो पति कमा के लाएंगे उसमें के आधी तनख्वाह तो तुमने इसमें खर्च कर दी। और हमने क्या अपनाया, हमने अपनाया उन्हीं का रवैया जो हमसे जलते हैं, जो हमारा नाम लेना नहीं चाहते हैं। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है सीधे दौड़ेंगे, भैया मैं 76 देख लो क्या है इसका, सही है या गलत है, वो बताएगा बहन जी वैसे तो ठीक है मगर इसमें दोष बहुत बड़ा है, कैसा करना चाहिए, इसके लिए इसके बराबर का नाच दे दो, इसको इतना पैसा दे दो, इसके नाक का कपड़ा दे दो, आपके 1000 रुपए ले गया लूट के, उसको तो कुछ नहीं हुआ, पता चला आपका बच्चा फिर का वही वही वो का वही बीमार है, बीमार होगा दवाई से और दे रहे हैं उसका घर पल रहा। आप अगर कहोगे मेरी छठी में आ जाना, मेरे बच्चे का जिसका ऑनर छठी है कि आके खाना खा लेना, अगर खाना खा ले आप कहाँ आपका बताओ तो मैं जानू, मेरे घर का तो खा लेंगे क्योंकि मेरा घर बड़ा है, मैं जानी पहचानी हूँ इसलिए मेरे घर का खा लेंगे, गरीब घर के घर खा ले तो बताऊ, नहीं खा लेंगे ना। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो हमारे घर का खाना नहीं खाते हैं, हमारे घर का पानी नहीं पीते हैं, हमारे हाथ की चाय नहीं पीते हैं, तो फिर क्यों पूछे उनसे, गुरु रविदास जी से पूछो, बाबा साहब से पूछो, उन सब से पूछो। और ये घटना मैं सुना के जाऊंगी, आज सही सबूत अभी की है, 2 साल पुरानी। मेरे जिले में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट जब हुआ तो वो रविदास को मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं रविदास जी को, तो जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो कोमा में रहा, उसकी पसली टूट गई, हाथ पैर टूट गए, तमाम ऐसा हो गया कि वो उठने के लायक उसके पैर हाथ नहीं उठ गए। तो उसने जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई ये तो मुश्किल काम है, तो मेरे दामाद का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे दामाद यहाँ से नीचे को पैरालाइज है, तो उसने सोचा कि गुरुजी अगर मुझे जिंदा रखना है तो मुझे खड़ा कर दो, और नहीं तो ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी खत्म कर दो। आप लोगों को मैं उस आदमी को मिलवा सकती हूँ, आज वो हमारे जैसा आपके जैसा चल फिर रहा है सब है, लेकिन अगर किसी ने भी किसी श्रद्धा से भी किसी को अपने मन में उतार लिया, तो आप किसी को मंदिर बनवाने के लिए पैसा नहीं मांगेंगे, अपने बच्चे के लिए पैसा नहीं मांगेंगे, शादी के लिए नहीं मांगेंगे, गुरु जी खुद आपको देंगे, और आपको देने वाला तो आपको देने वाला होना चाहिए, देने वाला वही है, हमारी कमाई में बरकत दे, हमारे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे, हम अच्छे बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई ला।